उत्तर प्रदेश में महिलाओं और नाबालिग बच्चों के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार बढ़ रहे मामले यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि हापुड़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको देखने और सुनने के बाद आपका खून खोल जाएगा और धर्म के नाम पर ढोंग रचने वाले, अश्लील हरकतें करने वाले पुजारी मौलवियों के ऊपर से आपका विश्वास उठ जाएगा। बता दें कि हापुड़ के रामलीला मैदान के मंदिर में पुजारी ने एक बच्ची के साथ छेड़खानी की। जानकारी होने पर बच्ची के परिजनों ने पहले तो पुजारी की जमकर धुनाई की और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी पुजारी के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब इस खबर को सुनने के बाद किसको गुस्सा नहीं आएगा? सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के ऊपर से विश्वास भी खत्म हो जाएगा। और इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल उठाया है कि धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। हापुड़ में जो घटना हुई उससे लोगों में आक्रोश है। हालांकि पुलिस ने आरोपी पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पीड़ित लड़की सोमवार की शाम को मंदिर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान पुजारी ने उसे देखा तो प्रसाद देने के बहाने मंदिर में बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद पीड़ित बच्ची घर पहुंची और अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद बच्ची के परिजनों और आस पड़ोस के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पुजारी को दबोच लिया और बुरी तरह से पीटा। इस दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। यह वीडियो इस समय खूब वायरल हो रहा है। बच्ची ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि आरोपी पुजारी ने यह हरकत कोई पहली बार नहीं की है। आरोपी ने इससे पहले भी जन्माष्टमी के दिन भी उसे पकड़ लिया था और उसके साथ अश्लील हरकतें की थी। उस समय बच्ची ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को नहीं दी। तो इस घटना के बाद आरोपी पुजारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी आप सुनिए। ये थाना कोतवाली नगर के रामलीला ग्राउंड स्थित एक मंदिर में बालिका से छेड़खानी का प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरे बच्ची का मामला है, रामलीला में वो मंदिर है, पंडित जो है बच्चियों को छेड़छाड़ी करता है। मेरी बच्ची है, इनकी बच्ची है, इनकी गैल बदतमीजी करता है। उससे पूछी बात करती, ऐसा क्या करता है? तो करा, मैंने एक बार ही तो छुआ, मैंने एक बार ही तो पूछी ली, जो तुम पे हो तुम कर लो, थोड़े चमारे छोटे बच्चियों को भेज देती। अच्छा, अब आप पुलिस में आए हैं, पुलिस द्वारा क्या सहायता? अब आए हैं पुलिस में, ये क्या करते हैं, हम चाहते हैं ये जेल जाए। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल। We'll be right back.